सो जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रेन जर्नी में। ट्रेन जर्नी क्या, आज एक इनॉग्रेशन ट्रेन जर्नी होने जा रही है। काफ़ी टाइम के बाद इनॉग्रेशन में शामिल होने का मौका मिला, क्योंकि 4-5 बंदे बाहर बैक टू बैक मैंने मिस कर दिया। और रेलवे का सबसे ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज के दिन टोटली 9 बंदे भारत और जिसमें से एक है पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। और पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का ही मैं इनॉग्रल कवर करने आया हूँ पटना जंक्शन में, मतलब बिहार की राजधानी। और यहाँ से जा रहा हूँ मैं कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल हावड़ा। तो चलो आपको जर्नी शुरू करके दिखाते हैं, और बाकी ट्रेन का इंटीरियर और जो सेलिब्रेशन चल रही है प्लेटफॉर्म सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी पीछे एंट्रेंस है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सजाया हुआ है। इनॉग्रेशन वाले दिन भाई यही कुछ होता है, काफ़ी कुछ मतलब इन्जॉयमेंट आज देखने को मिलेगा। काफ़ी ब्लॉगर्स भी आए हुए हैं, काफ़ी बाहर से भी। चलो सबसे आपको मिलवाते हैं, चलते पहले अंदर और आपको दिखाते हैं इंटीरियर। यहाँ से एंट्री है, चलते हैं। बाकी ये काफ़ी मतलब बेहतरीन स्टेज वगैरह सजाया गया है, और यहाँ पे प्रोटेक्शंस काफ़ी हैं। बाकी इधर से मेरी एंट्री है हमारी, और यहाँ पे RPF वगैरह की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनॉग्रेशन वाले दिन ना काफ़ी VVIP पर्सन आए होते हैं, तो उस करके थोड़ा सा यहाँ पर अपना रेस्ट्रिक्शंस वगैरह काफ़ी होती हैं। सो ये देखो जी, पटना रेलवे स्टेशन कितना बेहतरीन सजाया हुआ है। ये है सारा अंदर का इंक्वायरी एरिया, जो कि आज सारा कुछ बंद है, क्योंकि यहाँ पे अभी इनॉग्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है। उस साइड से आपकी एंट्री इधर नहीं आ सकते। बाकी इधर इधर बैंड वगैरह बने हैं, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो जी ये देखो जी बैंड। सो जी चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे और दिखाता हूँ अपनी वंदे भारत का कोच। वैसे हमें C4 अलॉट किया। सो जी ये देखो जी प्रोग्राम, और गेट ओपन हो चुके हैं ट्रेन के, क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं आए, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी कम है इतना हम आ सके, वरना आगे अलाउड नहीं होता इतना भी। बाकी चलो चलते हैं ट्रेन के अंदर। ये देखो जी कितना क्राउड है। सो जी सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्पीच चल रहा है, और बाकी ट्रेन 12:30 बजे यहाँ से डिपार्ट करेगी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम पटना जंक्शन से। एक बार मैं ट्राई करूँगा आपको लोगों की राइड एक बार दिखाने की। तो ये देखो आगे स्पीच चल रही है, क्योंकि वर्चुअली मोड से वो हरी झंडी दिखाएंगे जब जाके हमारी ट्रेन रवाना होगी। सो जी आपको अगर मैं एक बात बता दूँ, एक चीज़ मुझे यूनिक लगी, वैसे तो हमें C4 कोच अलाउट किया गया, ये देख सकते हो। बाकी यहाँ पे पर्ची भी लगी हुई है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओनली, ये मीडिया के लिए कोचेस बने हुए हैं। और रियल फैंस एंड सोशल मीडिया मिस दो चार कैटेगरीज में, रियल फैंस एंड सोशल मीडिया एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये कोच है बेसिकली। बाकी ये देख सकते हो कोच की मैनुफैक्चरिंग की अगर बात करो, 2023 का ब्रांड न्यू कोच है, 2023 का है, ICF चेन्नई द्वारा निकाला गया। ये देखो जी 223 दिखा हुआ 2023। ये कुछ एंटीरियर है वंदे भारत का। एक यूनिक चीज़ उस वंदे भारत में देखी, हम पहले जब सीट पे आए ना इनॉग्रेशन के टाइम में, दरअसल ऐसा होता नहीं कभी, वाटर बॉटल पहले ही रखी हुई है भाई। ये चीज़ ये किसी चीज़ अच्छी लगी। बाकी ये देखो जी सारा कुछ फीचर सेम है, एज इट इज़ है, जितनी वंदे भारत अभी तक मैंने आपको दिखाई है इनॉग्रेशन के दिन सारा कुछ सेम है। इसका सीट का कलर ना थोड़ा सा चेंज लग रहा है, ये लाइट सा लग रहा है, बाकी मैं डार्क है या मुझे काफ़ी दिनों के बाद देख रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी सीट रिक्लाइन भी हो जाती हैं। सो जी ये देखो जी रिक्लाइन होगी ये सीट, मतलब रिक्लाइन भी हो जाती है। बाकी चलो ट्रेन चलती है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ सारा ट्रेन का इंटीरियर। तो वैसे आपको क्या ही दिखाना, देख तो लिया ही आपने दोबारा। बाकी ट्रेन ट्रू बाकी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि तो भाई एक भाई मिले हैं हमारे चैनल के मेंबर ही हैं। क्या नाम है भाई आपका? गोल्डन। हाँ जी इनका भी यूट्यूब का चैनल है, गोल्डन म्यूजिक PS, गोल्डन म्यूजिक PS करके इनका चैनल है। भाई का भी चैनल एक बार विजिट करें। भाई ने मेरे को पहचान लिया पटना रेलवे स्टेशन में, विशाल भाई आया नहीं, विशाल भाई को ढूंढ रहे थे। विशाल अगर वीडियो देख रहा है तो भाई को अगर कभी मिलेगा तो याद रखना। विशाल भैया हम आपका सब आपका भाई आपका इनका भी है, देखते हैं आपका वीडियो देखते हैं, तो भाई का वीडियो नहीं छोड़ते हम। तो भाई अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते रहते हैं ना हर जगह, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और भाई चलो बाकी मिलते हैं, आप जा रहे हो इसमें? नहीं जा रहे हो, चलो चलो बढ़िया है, डिपार्चर लेना हमें भेजना है डिपार्चर, ठीक है भाई। तो ये पूरा स्कूल के बच्चों का कोच है, मैं केंद्रीय विद्यालय के सारे बच्चे इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या वंदे भारत में? पहले गए हो वंदे भारत एक्सप्रेस में? कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलो कहाँ तक जा रहे हो आप लोग? हाँ जी लखीसराय तक।
चलो जी, ये सारे वही तक ही जाएंगे बच्चे। सो जी, एक क्लोजिंग लेने के लिए देखा कितने कैमरे यहाँ पे ओपन थे, मैंने जैसे बंद किया दोबारा गेट क्लोज हो गया यार। सो जी, ट्रेन निकल चुकी है अपनी पटना जंक्शन से। भाई आगे चल रही थी सेलिब्रेशन, यहाँ से वर्चुअली मोड से मोदी जी ने झंडी के माध्यम से यहाँ पे ढोल नगाड़े से स्वागत किया जा रहा है अपने वंदे भारत एक्सप्रेस का। सो गाइस, ये जो चीज़ है ना ओनली इनॉग्रेशन में आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज किसी भी इवेंट में इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता है। 10-15 मिनट लेट निकली है। काफी सारे रेल फैंस बाहर भी आए हैं फोटोग्राफी करने के लिए भाई। सो जी, ये देखो जी, ट्रैक पे भी लोग खड़े हैं एज ऑलवेज, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्रेज है। और इधर आई हुई है कामाख्या दिल्ली, जिससे भी मतलब कि लोग तो काफी भरे पड़े और काफी लोग देखना भी चाह रहे हैं भाई। ट्रेन में देखो जी क्या माहौल है, सबके कैमरा ऑन है। तो यहाँ पे एक इंटरसिटी टाइप ट्रेन है जो कि एंटर हो रही है पटना जंक्शन की ओर। नगर टर्मिनल ही है और यहाँ पे स्टॉप हो रही है ट्रेन, वैसे स्टॉप ही नहीं है, आज इनॉग्रेशन वाले दिन भी स्लो डाउन किया ताकि शायद कोई होगा इशू। जी, वंदे भारत की जो इनॉग्रेशन जर्नी वैसे स्पेशल होती है, साथ में गिफ्ट टेम्पल भी मिलता है, देखते हैं इसमें क्या है आखिर। और जूट के तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, इसलिए जूट के बैग आजकल हर जर्नी में मिल रहे हैं। और इसमें एक प्लास्टिक का एनवेलप भी है जिसमें हम अपने रिज्यूम वगैरह कहीं पर दे सकते हैं जॉब के लिए। तो जी, ये देखो जी, नहीं काफ़ी अच्छा है भाई गिफ्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रल हो और हमें रेलवे तरफ से, और बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या है भाई। ये है जी भाई, एक रेनॉल्ड्स का पेन है भाई, बहुत ही बेहतरीन पेन है। एंड एक नोटबुक दी गई है और काफ़ी अच्छी नोटबुक है भाई। चलो इसमें अपना जर्नी प्लान करेंगे, क्या क्या कैसे करनी है, सही है भाई, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे लिखा भी है पटना हावड़ा वंदे भारत है, इसमें भी और कुछ भी है भाई, देखते हैं और क्या है इसमें। सो जी, ये देखो कप है वंदे भारत एक्सप्रेस का। ट्रेन निकलते ही यहाँ पे हमें स्नैक्स लंच वैसे सर्व किया गया, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। थैंक यू सो मच भैया। खाने का अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इसमें एक राइस है और ये है पनीर की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, ये है मे बी दाल है और ये भी दाल है, दो टाइप मतलब दोनों दाल सेम है। साथ में पराठा दिया गया है और ये मिक्स्ड पिकल है, वेज पिकल है।
और एक हरी मिर्च दी गई है यहाँ पे, बिहार वाली साइड में मिर्च बहुत ही खाना पसंद करते हैं लोग। और ये माउथ फ्रेशनर है लास्ट के लिए, और ये नैपकिन, दही, गुलाब जामुन, ये है आज का खाना। टेस्ट करके आपको मैं बताता हूँ कि खाना कैसा है आज का। चलो जी दाल से शुरुआत करते हैं, पहले दाल कैसी है। दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा है भाई, आलू का टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। वाओ अमेजिंग, पनीर के पीस जैसे मुझे दो दिख रहे हैं। चलो टेस्ट करके मैं बताता हूँ पनीर कैसी है। पनीर में थोड़ा सा मिठास है, हो सकता है इधर मिठास वाली पनीर खाते हूँ, बट दाल काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी दाल है। बाकी सो जी अभी मैं लंच कर रहा था, अचानक से पटना साहब आया, मैं लंच छोड़ के आया हूँ भाई बाहर दिखाने, क्योंकि फर्स्ट स्टॉप है और ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, हमारे जो 10वें गुरु हैं उनका जन्म स्थान भी है। सो काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे आना हुआ है, तो मैं कहा चलो आपको पहले स्टेशन ही दिखा देते, खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भाई। मकसूद आएगा। सो जी डोर्स ओपन हो चुके हैं, पहले स्टॉप पे अभी आए हैं पटना साहिब स्टेशन, और यहाँ पे वैसे आज तो इनॉग्रेशन का डे है भाई, पता नहीं कितना टाइम रुकने वाली है, कोच के पास रहना पड़ेगा। और चलते हैं भाई अंदर, क्योंकि डोर्स का कोई नहीं पता भाई कब बंद हो जाए। और बाकी ये जो पटना साहिब है, ये है हमारे सिखों का 10th गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। मैं जनवरी में यहाँ पे आके गया, अब इस साल में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ पटना। बाकी काफ़ी क्राउड है भाई, काफ़ी क्राउड है, और पटना साहिब काफ़ी मतलब हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पे विज़िट करने के लिए काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पे एक बार आप विज़िट करोगे ना आपको बहुत समझ भी आएगा। और यहाँ पे लिट्टी चोखा यहाँ का बिहार का ट्रेडिशनल फूड है, वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अगर पटना आते हैं तो। बाकी चलो चलते हैं ट्रेन के अंदर, कभी भी डोर क्लोज हो सकते हैं। बाकी जी ये देखो जी, ओ भाई खाना पता है जैसे तैसे छोड़ के मैं निकल गया था, मैं खाना पहले खाते हैं भाई। सो जी खाना ना ऐसे का ऐसे ही मैं और शशांक दोनों हम लोग छोड़ के चले गए। पटना साहिब कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो जो मेन मेन स्टेशन हो गए ना, जैसे पटना साहिब भी काफ़ी हिस्टोरिक जगह है, और ये वंदे भारत इनॉग्रल के साथ साथ कमर्शियल में भी जो नॉर्मल टाइम टेबल साथ चलेगी ना, तब भी ये पटना साहिब रुक के ही जाएगी। तो भाई ये सब मेजर रेलवे स्टेशन है, अभी इसके बाद आएगा मे बी मोकामा आएगा। हाँ। मोकामा एक बड़ा स्टेशन है, वो जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से एक रास्ता, चलो वहाँ पहुँच के बताता हूँ ना, अभी पहले ये फिनिश कर देता हूँ, खाना ठंडा भी हो रहा है, ऐसे खाने का भी अनादर नहीं करना चाहिए। चलो मिलते भी। तो जी खाना ही अभी हम फिनिश कर रहे हैं, जब तक ट्रेन भी डिपार्ट हो चुकी है पटना साहिब से, मैंने कहा कि चलो फटाफट से अपना पहले बाहर का जो शूट कंप्लीट किया, उसके बाद हम तो ये फिर खाना फिनिश कर रहे हैं, जब तक गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है पटना साहिब से। बाकी काफ़ी क्राउड है अपोजिट साइड भी, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह होता है भाई अपने जो शहर की होगी, अपने डिस्ट्रिक्ट की होगी गाड़ी देखने के लिए, तो काफ़ी लोग आए यहाँ पे, तो कुछ अलग टाइप का ही क्रेज़ है भाई। ट्रैक्स पे लोग उतरे पड़े हैं, हर किसी का कैमरा भाई, यहाँ पे तो टू मच भीड़ है। वाह, जो भाई अगर इस वीडियो में आ रहा है ना भाई, कमेंट करना, कमेंट जरूर करना अगर जो वीडियो में आ रहे हैं। और वंदे भारत की शुरुआत आज से हो चुकी है, 9 वंदे भारत बाहर बाहर जाते हैं, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दिल्ली, बरेली और जी जी ये एक्चुअल में हमें जहाँ भी मौका मिलता है, हमें वैसे तो हर जगह के पास इजीली अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी रेलवे भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। जी ठीक है, कैसा लग रहा है? काफ़ी बेहतर लग रहा है इस ट्रेन में। अब जो ये 9 वंदे भारत इस बार जो लॉन्च हुई है, इसमें 25 तरीके की जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको समझने लायक है। एक ब्रोशर है उसमें सारा कुछ डिटेल्स वाइज लिखा हुआ है, 25 चेंजेस हुए हैं जो न्यू वंदे भारत आई हैं। तो आप इस तरीके के वंदे भारत को देखने के लिए कहीं भी चले जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तक आप वंदे भारत को देखने का, मैं सिकंदराबाद तिरुपति मैंने कर लिया है, चेन्नई कोयम्बतूर मैंने किया, भोपाल से अपना ये दिल्ली वाली किया, अजमेर से दिल्ली वाली वंदे भारत की है, मतलब काफ़ी सारी वंदे भारत है जिनका भी मैं मुझे ध्यान भी नहीं, हावड़ा जलपाईगुड़ी भी की हुई है, और ये कर रहा हूँ। अच्छा,
कैसा लग रहा है? आप कहाँ से हैं? बहुत अच्छा, मैं बरेली यूपी से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। सो ही राइट नाउ ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो करंटली स्पीड दिखा दूँ 130 किलोमीटर हिट कर चुकी है, जो इसकी मैक्सिमम पर मैक्सिमल स्पीड है जो इस रूट की है। वैसे तो ट्रेन पटना से हावड़ा तक 130 चलेगी, क्योंकि ये रूट ना जो है कैपेबल है 130 के लिए। तो जी ट्रेन अपनी खड़ी हो रही है बाढ़ रेलवे स्टेशन पे बाहर, लोगों का रश ना बहुत ज़्यादा है। तो जी गेट ओपन हो चुके हैं, करना प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचे है भाई। तो जी ये देखो जी कितना रश है भाई। तो जी रश कितना है ना भाई, वो देखो यार रश देखो नीचे भाई। आगे ना सेलिब्रेशन भी चल रहा है, बट आगे मैं जाऊंगा नहीं भाई। अगर प्लेटफॉर्म ना काफ़ी ज़्यादा नीचे की ट्रेन चल पड़ी ना, चढ़ भी नहीं पाएंगी, क्योंकि डोर ऑटोमेटिक है, रिस्क लेके कोई फायदा नहीं। तो जी ये देखो जी बच्चों को फोटो खिंच क्लिक करवा रहे हैं उनके फादर साहब, काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट है इधर भी। मे बी इस रूट की पहली वंदे भारत है, इस करके ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, सेकेंड आएगी तो रहेगी बट कम रहेगी लोगों में। तो जी ये डोर पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक ओपन हो गया, इधर से भी लोग आना शुरू हो गए अंदर, क्योंकि भाई देखो डोर ना ऑटोमेटिक है। तो जो हमारे आरके वाले सर हैं वो समझा रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अरे चाचा बंद हो जाएगा तो अंदर ही रह जाओगे, मान जाइए। ये खुलेगा नहीं फिर, बंद हो गया तो खुलेगा नहीं। तो ये डोर ओपन है, अब जाके डोर क्लोज हो रहा है। तो ये चलो फाइनली गेट क्लोज हो गए। और इस ट्रेन में अभी तक मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ग्रीन जो बटन है ना ये काम कर रहा है, इसमें प्रेस करने में तब डोर ओपन हो रहे हैं। दो तीन बार ऐसा हो गया, तीन स्टेशन पे सेम चीज़ हुआ है भाई कि ग्रीन लो टैप करो, उस टाइम भी किसी ने टैप किया जब भी। हाँ भाई मत करना नेक्स्ट टाइम ना। अभी चलो ट्रेन हो चुकी है डिपार्ट, और चलते हैं अंदर का माहौल दिखाते हैं आपको कैसा क्या चल रहा है अभी। कितने भाई रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं, ट्रेन पहुंच चुकी है मोकामा। यहाँ पे भी काफी लोग मे भी आए होंगे, क्योंकि काफी बड़ा स्टेशन है ये इस रूट का, काफी सारी ट्रेनें ऑलमोस्ट रुक के ही जाती हैं मोकामा में भी। हम ही अकेले। तो जी ट्रेन पहुंच चुकी है मोकामा रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर एक पे। आगे काफी ज्यादा रश है, और ये देखो जी क्या ही क्रेज है वंदे भारत का। तो जी यहाँ पे तो भीड़ कम लग रही है, आगे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। मैं एक्चुअल में पिछले कोच से इसलिए उतरा हूँ ताकि भाई आराम से मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि आगे जब उतरना और चढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। बाकी 10 मिनट का स्टॉप आज रहा है, आज सारे मतलब कि स्टेशनों पे 10-10 मिनट रुक के जाएगी अपनी ट्रेन। बाकी लोगों में एक्साइटमेंट देखो, आगे भी देखो भाई सेलिब्रेशन चल रहा है। चलो चलते हैं ट्रेन के अंदर भाई, क्योंकि ट्रेन अगर निकल गई ना भाई दिक्कत हो जानी है। ये देखो जी लोग अंदर कितना उत्साह है। सो ये स्टेशन के ना अपोजिट साइड भी काफ़ी क्राउड है, बट उतना नहीं है, बट इधर आगे वाले कोच की साइड ना काफ़ी ज़्यादा है। सो जी मोकामा में किसी ट्रेन का अराइवल भी हो रहा है। अकाल तख्त एक्सप्रेस आ चुकी है, अमृतसर जा रही है कोलकाता से। भाई जनरल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, स्लीपर ही पूरा भरा पड़ा है यार। अगर काल तक होती भी तो भी मैं थर्ड ए सी में जा पाता भाई, स्लीपर पूरा पैक है ट्रेन का। तो जी मोकामा से ट्रेन निकल चुकी है, आगे तो सेलिब्रेशन हो रही थी, वो कोशिश करता हूँ दिख जाए यहाँ से। तो भाई इतना क्राउड है आगे का। सो जी ट्रेन निकल चुकी है मोकामा से, क्रॉसिंग है पता नहीं किसी ट्रेन की। हाँ
तो जी यहाँ की ना एक ये वीडियो बहुत वायरल है, यहाँ पे ऊपर साइड में एक शायद ब्रिज में भी निकल गया पहले ही, ये हाथीदार रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा फेमस हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सो जी लखीसराय जंक्शन ट्रेन एंटर हो चुकी है, जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे गया से रास्ता आके मिलता है, बाकी काफी सारा क्राउड यहाँ पे भी देखने को मिलेगा एज ऑलवेज सारे स्टेशनों की तरह। और ये थर्ड अपना कमर्शियल स्टॉप भी रहेगा इनॉग्रल के साथ साथ, सो जी ये खड़ी है अपनी हावड़ा गया एक्सप्रेस, गया हावड़ा खड़ी है, गया से हावड़ा जा रही है, लखीसराय जंक्शन पे आपका स्वागत है। तो ये लखीसराय जंक्शन बेसिकली इसलिए जंक्शन पॉइंट है ना, यहाँ से एक लाइन गया से आके मिल रही है, और ये जो ट्रेन है ना गया से या हावड़ा जा रही है बेसिकली, और ये उसी रूट से आई है जंक्शन वाले पॉइंट के रूट से। बाकी ये देखो जी काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है और काफ़ी ज़्यादा रश रहता है इस ट्रेन में, लखीसराय जंक्शन में देखो भीड़ कितना है भाई। तो जी बस यही है क्राउड, बाकी चलो चलते हैं अंदर ना ट्रेन ना खुल जाए भाई नीचे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रेन है भी नहीं घर जाने के लिए। बाकी ये देखो जी मौसम कितना मस्त हो रखा है यार, और भाई मज़े आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, फंक्शन कर रहा है वंदे भारत दूसरी, अच्छा चलो भाई चलते हैं अंदर चलते हैं, काफ़ी क्राउड हो गया भाई गेट के पास ना, चलो जी तो जी ऐसा लग रहा है हम नहीं चढ़ पाएंगे बाद में अगर रह गए थोड़ी देर और, चलो चलो अंदर चलो भाई वाले अंदर आ जाइए। बाहर का आपने माहौल देखा ना, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट चल रही है और भाई तनिक सा हमें अंदर आने दीजिए भाई, तनिक सा भी नहीं अंदर आना है, वरना हावड़ा जाइए फिर, तनिक से अंदर के चक्कर में ना बंदा पहुंच जाएगा हावड़ा। और इस बार वंदे भारत ने भाई सख्ती हो रखी है, इधर पेनल्टी पड़ेगी अगर इनके कोई बंदा चढ़ जाता है। बाकी चलो चलते बैठते अपनी सीट पे यार, डिपार्चर यहीं से लेंगे प्लेटफॉर्म यहीं है, बाहर जितना दिखाना था दिखा दिया यार, अपना काम भी जरूरी है, काम भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाए भाई, वीडियो के चक्कर में ना भाई कॉम्पिटिशन हाई लेवल पे हर सीट्स पे ना रिकॉर्ड, पीछे वाला भी भरा हुआ है, लखीसराय से भी ट्रेन अपनी डिपार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा रश था आगे, ये देख सकते हैं आप जैसे, और बाकी आगे सेलिब्रेशन का माहौल पूरा है क्योंकि तीसरा ये कमर्शियल स्टॉप भी बनने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस हो, क्योंकि वंदे भारत मिल चुकी है इस लखीसराय जंक्शन को, यहाँ पर भी एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था, हर स्टेशन पे प्रोग्राम ही पूरा करते हैं, ये देखिए हर बंदे झंडी दिखाना चाह रहे हैं, हर बंदे झंडी लखीसराय से निकलते ही एक काफी विशाल नदी आई है, और नदी का नाम क्या है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर, हाँ जी क्यूल नदी, सो जी ये क्यूल नदी है भैया बता रहे हैं कि यहाँ के ओके मैं क्यूल भी अभी हम रुकेंगे, सो जी लखीसराय का ये क्यूल नदी है, लखीसराय पुल के इधर लखीसराय पड़ता है और उस साइड हम पहुँच जाएंगे क्यूल, भाई क्या एस्केलेशन है भाई, एस्केलेशन देखो यार, वाओ एक क्रॉसिंग मिल गई, ये एक क्रॉसिंग भी मिल गई भाई हमें, पता नहीं कौन सी सुपर फास्ट ट्रेन लग रही है कोई, देखते हैं बाकी कौन सी ट्रेन है, आसनसोल बांद्रा ना हो या तो ये वो हो सकती है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करके कुछ ट्रेन चलती है, और जी अब हम लोग इसके मार रहे हैं क्यूल जंक्शन स्टॉप ने ओवरटेक भी पड़ गया एक ट्रेन को, मारा है किसी ट्रेन को भाई, इंटरसिटी टाइप ट्रेन है जो भी है मेरे ख्याल से जहाँ तक लग रहा है,
कोई इंटरसिटी टाइप को ट्रेन को हमने ओवरटेक मार रहे हैं और इधर हमने ओवरटेक मारा है गया हावड़ा एक्सप्रेस जो पहले निकल के गई थी उसको भी ओवरटेक उधर चल रहा है और इधर चल रहा है भाई 20 से वंदे भारत क्रॉसिंग दो ट्रेन को वाह भाई मैंने पहले ही बोल दिया था गाड़ी को ओवरटेक पड़ेगा गया हावड़ा को। सो जी इवनिंग स्नैक्स भी हमें सर्व कर दिया गया अपने वंदे भारत एक्सप्रेस में। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं भाई। ये टेप से चिपका हुआ है अपना सैंडविच और ये मिले हैं ऑलमंड्स भाई। ये है केक और ये है कोकोनट वाटर एंड ये मिठा है भाई। ये चुल करने रहा इंसान। अबे देखो वंदे भारत एक्सप्रेस में गई लाइट बिजली बंद। और तो जी लगभग शाम के ना 4 बज चुके हैं और हमें इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया गया है। अभी वेट कर रहे चाय का, चाय आ जाए फिर उसके बाद खाते हैं। ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, सूखा सूखा लग रहा है। बाकी पानी की बोतल मंगाते हैं भाई, पानी का पानी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, पानी है नहीं मेरे पास तो पानी का। भाई ट्रेन बहुत ही ज़्यादा अपनी रफ्तार में चल रही है, झाझा पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो जी ये ट्रेन अपनी आ चुकी है झाझा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ तक जो अपने ECR जोन के जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह मतलब जो भी स्टाफ थे ना सारे उतर चुके हैं और जिनको यहाँ उतरना था वो भी उतर गए, क्योंकि बगल में ना झाझा से पटना जाने के लिए स्पेशल ट्रेन रेडी की हुई है। जो भी ऑफिशियल्स वगैरह वो फर्स्ट सेकेंड AC के अकॉर्डिंग चढ़ेंगे, बाकी जो ज़्यादा हाई लेवल्स के हैं उनके लिए यहाँ पे पीछे सलून भी लगा हुआ है तो वो उस कोच से जाएंगे। और ये तो जी अभी जाके कॉफ़ी मिली है दूसरे कोच में, आगे कॉफ़ी पी रहा हूँ। बाकी प्रीमिक्स वाली है तो टेस्टी रहती है ये। सो जी अभी आए हैं कैबिन में राइड लेने के लिए, ट्रेन अभी जैसे ही अराइव कर दी है जस्ट। पटना से 220 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ने कवर कर लिया है जैसीडी तक और पहुंच चुके हैं जैसीडी जंक्शन पे। ठीक है जी ये जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से बाबा धाम के लिए यहीं से ट्रेनें चेंज की जाती हैं। बाकी हम गार्ड वाले केबिन में हम ट्रैवल कर रहे थे भाई, मैंने अभी आपको गार्ड के केबिन से ना बैक साइड जो लोको कैब है वहाँ से आपको व्यू दिखाया, काफ़ी मस्त है भाई। बाकी अपनी वंदे भारत बिल्कुल चमचमा रही है, चलते हैं अंदर और 10 मिनट का वैसे रुकेगी, आगे सेलिब्रेशंस वगैरह भी चल रहे हैं। और बाकी ये अपने मोनू भैया और भैया कैसे हो, ठीक हो? सही सही चल रहा है। बाकी मैंने मोनू भैया से पहले ही मिल चुका हूँ स्टार्टिंग में, आपके लिए दोबारा मिल रहा हूँ ताकि आप भी मिल सको। बाकी चलो यहाँ पे देखो बिल्कुल शार्प कब कर रहा है। देख लिया चलो। तो जी बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है भाई न्यू ट्रेन देखने के लिए, इस रूट की पहली वंदे भारत है ना तो काफ़ी सारे लोगों में एक्साइटमेंट है। 2-3 चलने के बाद भाई पता क्या होगा, यूज टू हो जाती है। 2-3 दिन आएगी ना तो यूज टू हो जाएगी, अद्धी बार ट्रैवल भी किसी ने कर लिया तब भी यूज टू हो जाएगी। बीच में पेनल्टी पड़ जाएगी वो उसका पता नहीं, जैसीडी में ही। और सारे जा रहे हैं अपने घर को, तो भाई अपनी ट्रेन डिपार्ट होने के लिए यहाँ से तैयार है। शशांक तो पहले जा रहा था आसनसोल तक, इसने भी बीच में धोखा दे दिया धोखे बाद। और ये भी आदित्य भी उसके साथ मिल गया, अभी कह रहा था हावड़ा जाना है, अभी यहाँ उतर गया। एक दो तीन चार एक पचपा कहाँ गया भाई, फरार सब वीडियो डालेंगे भाई डोंट वरी। आपने मोबाइल में कैप्चर करना चाह रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, भाजपा का झंडा भी है, भाजपा का झंडा है, लोग दिख रहे हैं। चलो मधुपुर और ब्रिज इसके बाद है अजय अजय नहीं आएगा।
तो जी अभी आसनसोल थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं, बाकी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। और सो जी अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है जामताड़ा, और मैंने पहले एक स्टेशन स्किप कर दिया भाई, मधुपुर आया था, वहाँ पे मन नहीं किया भाई, एडिटिंग वगैरह चल रही थोड़ी सी, बाकी बार अंधेरा हो चुका है, जामताड़ा आ रहा है आपको मैं वो दिखाता हूँ। सो जी ट्रेन अराइव कर रही है जामताड़ा रेलवे स्टेशन पे, और हम एंटर कर चुके हैं झारखंड में। सो जी 291 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पांचवे ऑफिशियल स्टॉप पे, जो कि आज तो इनॉग्रल डे में तो काफ़ी रुक रही है, बट ऑफिशियल डे में मतलब कमर्शियल रन में भी यहां पे ट्रेन रुकेगी जामताड़ा में। इस ट्रेन का अभी आज के दिन 10 मिनट का स्टॉप है, बाकी नॉर्मल डेज में कितना है वो आपको मैं अपडेट दे दूंगा एक बार। और बाकी जामताड़ा जो है झारखंड में पड़ता है, ईस्टर्न रेलवेज के अंडर आता है, डिवीज़न आसनसोल चल रही है, और हम आसनसोल में ट्रेन डिबोर्ड करेंगे। बाकी यहाँ पर देख लो जी कितना ही ज़्यादा रश है, लोगों की खुशी देखो भाई, गेट ओपन नहीं हो रहे, गेट ओपन करना पड़ रहा है। बाकी ये देखो जी अपनी चमचमाती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस, काफ़ी मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है भाई। बाकी पटना हावड़ा बहुत ही पास, और जबकि यहाँ पे रुकेगी भी ट्रेन आगे से, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग कभी सो जी जामताड़ा से ट्रेन हो चुकी है डिपार्ट, और अभी हम वैसे तो नेक्स्ट अभी एक जगह और रुकने वाली है, बट मैं वो कवर नहीं करूँगा, सीधा आपको आसनसोल में मिलता हूँ, वहीं पर हम ट्रेन डिपार्ट। सो जी फाइनली 337 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल, स्टेशन कोड है ASN और डिवीज़न भी है ER, मतलब ईस्टर्न रेलवेज का एक बहुत बड़ा डिवीज़न है, और आ चुके हैं वेस्ट बंगाल में भाई। चलो इसी के साथ करता हूँ अपनी जर्नी को यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर लिखना भाई कौन सा आपका बेस्ट पार्ट था। और बाकी आज के दिन 9 वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ है, और इस ट्रेन में दो तरीके के कोच हैं, एक है नॉर्मल AC चेयर कार और एक है एग्जीक्यूटिव चेयर कार, और दोनों का जो फेयर है मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे क्या है इसका फेयर, मैं सारा कुछ आपको मेंशन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद। बाकी ये देख रहे हो गिफ्ट वगैरह मिला हुआ है, तो इसको आपको वैसे दिखाई दिया है। बाकी 25 चेंजेस हुए हैं इस ट्रेन के अंदर, जो कि मैं आपको सारा कुछ मेंशन कर दूंगा, आप पढ़ लेना एक बार।
सो जी फाइनली अपने वंदे भारत डिपार्चर के लिए तैयार है।